मैं अशोक कुमार, संस्थापक सह अध्यक्ष सर्वोदय समाज कटिहार। मैं 1997 27 नवंबर को हमने सर्वोदय समाज का स्थापना किया, और स्थापना का जो मूल उद्देश्य था मेरा कि समाज में जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्र स्तरीय हो, उसमें हम समाज हित में काम करें। लेकिन तभी मुझे एक समाचार पत्र के माध्यम से एक लेख आया कैलाश जी का, जो दिल्ली के बहुत बड़े राइटर थे, उनका संदेश था कि हमारे देश में हिंदी निषेध है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी निषेध है, हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो मुझे उस समय लगा कि इतना बड़ा बात कि हमारे देश में आज़ादी का आज़ाद तो हम लोग हो चुके, लेकिन हमारे ही देश में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है जो कि राजभाषा है। इस लेख को पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो है एक क्रांतिकारी की भावना जगा, और मैंने उसी समय से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी को लागू करवाने के लिए हमने जन आंदोलन खड़ा किया। और इस तरह से शुरुआती काल में हमने 2-3 वर्षों तक बैठक करते रहा, तब जाकर के हमने 2000 में 28 अप्रैल को हमने नगरपालिका मैदान से अपने जन सैलाब के साथ हमने साइकिल यात्रा निकाला, जिसमें 200 से 250 लोग लड़कों ने भाग लिया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। और आंदोलन के बाद हमने जो है 2000 से शुरुआत किया, और 2001 में हमने पूर्णिया, किशनगंज, अररिया का दौरा किया। उसके बाद मैं प्रत्येक वर्ष मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सिलीगुड़ी, मालदा, पटना, 2-3 बार मैंने इस दरमियान इतने वर्षों में मैंने इतना जगह आंदोलन किया। और 2011 से हमने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और सुप्रीम कोर्ट हिंदी लागू करवाने के लिए हमने 2011 में हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा। जब मैंने कभी दिल्ली नहीं गया था, उस समय हमने राष्ट्रपति से लेकर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर या पुलिस आयुक्त को मैंने पत्र लिखा कि मेरा 3 दिन का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम मेरा जो कार्यक्रम होगा इंडिया गेट पर मुंडन कार्यक्रम, उसके बाद वहाँ से 2 बजे हम निकलेंगे, राष्ट्रपति भवन पद यात्रा करेंगे, और शाम में इंडिया गेट पर दीप प्रज्वलित करेंगे। ये मेरा पहला 14 सितंबर 2011 का कार्यक्रम था। 2012 का कार्यक्रम था कि राजघाट पर जाकर के सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल पर हम लोग थे, उपवास किए थे राजघाट पर। और तीसरा जो कार्यक्रम था मेरा, वह था लोकसभा के मुख्य द्वार पर मौन प्रदर्शन कार्यक्रम था। और यह 3 दिन का कार्यक्रम हमने जो है बहुत ही सरलतापूर्वक इस आंदोलन को हमने सफल बनाया। उसके बाद हमने 2012 में फिर हमने दिल्ली आंदोलन किया। 2012 में हमने 5 दिन का उपवास किए जंतर मंतर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। उसके बाद लगातार यह कार्यक्रम हिंदी को हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। हाँ, यह बहुत ही बेहद अफसोस रहा कि 2020 में हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन ये मेरा आंदोलन जब नहीं गए उस बीच में हमने जो है खगड़िया में पदयात्रा किए, अररिया में पदयात्रा किए, फिर से दोबारा हम लोग जो है विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, और फिर से आने वाला जो साल होगा 2021 फिर हम लोग जो है दिल्ली में 3 दिवसीय या 5 दिवसीय कार्यक्रम मेरा जो है आयोजित होगा। तो दिल्ली में विभिन्न जगहों पर मेरा हिंदी को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें हमने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हमने जो 1 दिवसीय उपवास पर बैठे, जेएनयू में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपवास के दौरान ही हमने जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम किए हिंदी को लेकर के, जेएनयू विश्वविद्यालय भी हम लोग गए एक अगले साल वर्ष में, हमने वहाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किए। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने के लिए हमने जो है तिहाड़ जेल में भी 2015 में हमने जो है बिना आदेश के हमने सूची दे करके हमने तिहाड़ जेल में भी घुसने का सफल किए, और तिहाड़ जेल में भी रहे, वहाँ से शाम को हम लोग जो है छूटे हैं, और तब वहाँ भी गेट पर हम लोग उपवास किए। उसके बाद हमने UPSC भवन में हिंदी को जो है वैध जो है करार अवैध कर दिया गया था, वहाँ पर हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए हमने जो है संघ लोकसभा आयोग के मुख्य द्वार पर हम लोग जो है अनशन किए, और वहाँ पर अध्यक्ष महोदय को हमने ज्ञापन दिया। इस दरमियान जब भी मैंने दिल्ली गया 2011 से लेकर के अब तक,
वहाँ पर मैंने राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को और मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट को हमने जो है हमेशा ज्ञापन सौंपे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से बहुत बार ही हमें जो है वहाँ से भी पत्र की प्राप्ति हुआ, राष्ट्रपति भवन से भी पत्र प्राप्ति हुआ कि इस पर इस दिशा में जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा मिलेगी, क्योंकि आज भी हमारा देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश सब कुछ है, लेकिन हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, जो कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जो कि भारत के माथे पर यह कलंक है। और इस कलंक को मिटाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सर्वोदय समाज एक ऐसा कार्यक्रम कर रहा है कि हम इस लड़ाई को, ये मेरी दूसरी लड़ाई हो रहा है देश के अंदर में, लेकिन आज भी मुझे बेहद अफसोस है कि देश के अंदर 99% जो राजनेता है या राजपत्रित अधिकारी है, चाहे वो आरक्षी अधीक्षक महोदय हो या जिला पदाधिकारी महोदय है, विभिन्न विभिन्न पदों पर आते हुए बड़े बड़े अधिकारी, उनको भी नहीं मालूम है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। मैंने आप जब क्वेश्चन करेंगे, बहुत ऐसे आज भी लोग हम पूछते हैं किसी अधिकारी से कि बताइए कि आपका हिंदी राष्ट्रभाषा की राजभाषा है, तो ये कहेंगे राजभाषा है। जबकि मेरे साथियों, देश के 99% जनता से लेकर के अधिकारी हो या राजनेता को नहीं मालूम है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, वहाँ हिंदी निषेध है, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी को वहाँ बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये अभी आप संयुक्त अरब अमीरात को लीजिए, ये पिछले 2 वर्ष के अंदर में उन्होंने हिंदी को दूसरा भाषा घोषित किया है। हिंदी को दूसरा भाषा अपने देश में बेगानी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में दूसरी भाषा उर्दू के बाद जो वहाँ पर लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हो या अपने देश के अंदर में लागू किया है। ये मुझे बहुत खुशी है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ संयुक्त अरब अमीरात को, ये उन्होंने अच्छा कदम उठाया है ताकि भारतीयों का मनोबल बढ़े। और हमारे भारत में, मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मैं कटिहार हूँ, एक ऐसा सीरियल जो प्रकाशित माने हो रहा है, इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यह उन विभिन्न आंदोलनों को जो सामाजिक सरोकार है उसको इन्होंने उठाने काम किया, जो हमारे बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो दबे गए, कुछ जगह लोग नहीं जान रहे, उनको उठाने का काम कर रहा है। मेरे साथियों, एक ऐसा भाषा जिसकी लड़ाई देश की आज़ादी का 73वां वर्ष गुजरने जाने के बाद भी हम लोग नहीं बना पाए, तो आज हमारा ये देश का हम लोग के देश के प्रति वचनबद्ध होकर के हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एकजुट होइए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।